कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर टिप्पणी मामले में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर दिनेश प्रताप सिंह, जो कि योगी सरकार के मंत्री हैं, उनका पुतला फूंका। आपको बता दें कि उन्होंने टिप्पणी की थी प्रियंका गांधी पर, जिसको लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं और साथ ही साथ वो नारा लगा रहे थे कि प्रियंका गांधी से दिनेश प्रताप सिंह माफ़ी मांगे, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें जो है वो रस्सी लगाकर घेर लिया, जाने से उन्हें रोका, जिसको लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच झड़प भी देखने को मिली। आपको बता दें कि पुलिस ने एक एक कार्यकर्ताओं को जो है कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल जिस तरीके से प्रियंका गांधी के टिप्पणी की गई थी दिनेश प्रताप द्वारा, वो मामला आजकल लगातार जो है तूल पकड़ रहा है। लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके विरोध प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को और ये मांग कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी के टिप्पणी मामले में दिनेश प्रताप सिंह को प्रियंका गांधी से माफ़ी मांगना चाहिए और साथ ही साथ जो है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसे पूरा करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात।